मेरा थाना रिसाड़ी के क्षेत्र से एक एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां तलाकशुदा महिला के साथ उसके ससुराल के लोगों ने गैंगरेप के बाद नग्न अवस्था में घर से निकाल दिया। नंगा अवस्था में घर से बाहर निकालने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो किसी पड़ोसी ने बनाया है। सी अरविंद चौरसिया ने बताया कि दोनों का पारिवारिक विवाद है। महिला ने थाने पर उपस्थित होकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। परिवार के लोगों पर आरोप है, गैंगरेप का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। शीरीन। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? मैं अपने ससुराल में रह रही थी, मुझे मेरे मायके वालों ने, मतलब मैं मायके गई हुई थी, तो मेरे घर वालों ने मुझे, पहले तो ससुराल वालों ने निकाल दिया घर से, मेरा पीछे से सारा सामान निकाल दिया। उसके बाद अगले दिन मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाक दे दी, और मेरे जो शौहर के और मतलब 8-10 आदमी थे, मुँह पर मास्क लगा कर आए। शहजान था, नूरुद्दीन का बेटा वो था, नावेद, नौशाद और जुनेद, और 3-4 आदमी और थे, अनस भी था। ये सब थे अंदर, सब ने मेरे साथ रेप किया और मुझे घर से नग्न अवस्था में बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक दिया। ये कब की घटना? ये आज सुबह की घटना। आज सुबह की घटना जी। अच्छा, ये रिश्तेदार हैं कोई, ये जो आरोपी? जी जी, रिश्तेदार हैं, ताऊ चाचा हैं। ताऊ चाचा के लड़के हैं जी। ये आपकी तलाक कब हुई थी? तलाक 3 महीने पहले दे चुके हैं ये। आपके शौहर का नाम क्या है? शादमान। शादमान कहाँ के रहने वाले? सीओ सर ने भी बोला था कि मतलब कार्रवाई जल्दी होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये घटना किस जगह की? उमर नगर की। उमर नगर। आप रहने वाली कहाँ की? प्रहलाद नगर। प्रहलाद नगर। आपका मैं कहाँ? प्रहलाद नगर। आपके वाले साहब का नाम? मोहम्मद सुलेमान। शादी कब हुई थी आपकी? 6 साल हो गए शादी को, 2014 में हुई थी। वैसे कोई बच्चा वगैरह? एक बेटा है 3 साल का। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन